शाहबाद में नेहा किन्नर को 1 रुपये में बेचने की वायरल हुई वीडियो पर सफाई देते हुए सोनिया किन्नर महंत ने कहा कि 1 रुपये में नेहा किन्नर को किसी के हाथों बेचने की बात झूठी है। उन्होंने बताया कि जिस तरह से नेहा किन्नर ने उन पर पुलिस थाना और अदालत में केस किए हैं, उससे नेहा के ऊपर बिरादरी में कोई दंड या जुर्माना ना लगे, इसलिए उसका 1 रुपये में निबेड़ा कर दिया, यानी उसे माफ़ी दे दी, ताकि उस पर कहीं भी बिरादरी में कोई जुर्माना ना लगे। जनमंच की आज़ादी न्यूज़ के लिए शाहबाद से मायराम की रिपोर्ट। मैं मायराम प्यारी की चेला हूँ। हम ये लोग यहाँ 12 तारीख से बैठे हैं, आज 17 तारीख हो गई। हम दिन और रात धंधे पे बैठे हैं, हमारी कोई यहाँ सुनवाई नहीं हो रही। मेरी तबीयत इसकी ख़राब हो रही है, रात को लोग धमकी दे रहे हैं मुझे, मुसलमानों में बेच के आ गए लड़का प्रदीप, पता नहीं मुझे बचाओ भैया, पता नहीं किस तरीके से लोग, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। मैं प्रशासन से भी बहुत मैंने गुहार लगाई है कि प्लीज़ मेरी सुनो, कोई मेरी सुनवाई नहीं कर रहा। ये जो धमकी दे रही है सोनिया मुझे मारने की, इससे बेचने की बात कही है, कहाँ बेचा गया और कितने रुपए में बेचा गया? ये मुझे जम्मू कश्मीर में एक सायरा हाजी है, तो मुझे उसने 1 रुपये में वहाँ तोड़ के आई है, 1 रुपये में बेच के आई है। और एक सबो नाम का जलंधर का वो भी है जी, उसमें सोनिया भी है, एक चंदा है वो जिंद से है। इनकी रिकॉर्डिंग वीडियो ऑडियो सब मेरे पास पड़े हुए हैं, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैंने इसकी जो मुझे बेच के आई उसके भी दरख्वास्त दे के आई हूँ, मैं थाने में भी दिए, अभी मैं उधर भी दे के आई हूँ। मुझे हाथ जोड़ के मेरी यही रिक्वेस्ट है सबसे कि प्लीज़ मेरे दो किन्नर पक्ष हैं, एक पक्ष में नेहा है और दूसरे पक्ष में सोनिया है। तो अब नेहा ये कहती है कि मेरे को इलाका मिलना चाहिए, शाहबाद का इलाका मिलना चाहिए, या जो पीछे इनका कोई अहमी पंचायती फैसला हुआ था कोई 2008-09 में वो मिलना चाहिए। तो सोनिया का पक्ष ये है, वो कहती है कि मैं इसने मेरे खिलाफ कुरुक्षेत्र दो तीन कोर्टों में केस किया था और उस कोर्ट ने सोनिया के पक्ष में निर्णय दे दिया। इससे क्या है, नहीं आया ये हाई कोर्ट में, इसने एक माननीय पंजाब एंड हरियाणा का हाई कोर्ट में इन्होंने एक अपील डाल दी, उसकी तारीख 2021 में है। तो जैसा माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से जो डायरेक्शन आएगी, कोई ऑर्डर आएगा तो हम फॉलो करवा सकते हैं। लेकिन इसका ये कहना है कि हमें रोज़गार चाहिए, तो पुलिस प्रशासन है वो रोज़गार मुहैया नहीं करा सकता है। और मैंने इन दोनों पार्टियों को बिठा के इनको समझाइश भी करवाई थी, लेकिन नहीं आया, ये इसने वो एक्सेप्ट नहीं किया। तो जो माननीय हाई कोर्ट से, पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट से जो भी ऑर्डर आएगा उसकी हम पालना करवाएंगे। हर देखिए बात ऐसा है, हर आदमी पे पुलिस है, वो हर पुलिस का जवान रिक्रूट नहीं कर सकती जी, हर आदमी पे हर एक पुलिसकर्मी खड़ा नहीं हो सकता। यदि थाने के बाहर बैठी है, धरने पे बैठी है, तो वो उसका मौलिक अधिकार है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन धरने पे बैठी है तो हमें इस बारे में कोई इतराज़ नहीं है। बाकी रही सुरक्षा की, तो हम ऐसे हर आदमी को सुरक्षा नहीं दे सकते। महंत गद्दी नसीन शाहबाद ऋषि मारकंडा से बोल रही हूँ। और जो नेहा मेरे को कह रही है कि भाई सोनिया ने मेरे को 1 रुपये में बेच दिया है, 1 रुपये में किसी को बेचा नहीं जा सकता हमारे समाज में, 1 रुपया छोड़ो किसी चीज में भी नहीं बेचा जा सकता, इंसान तो इंसान ही होता है। अरे हिंदू, मैं भी हिंदू हूँ, हिंदू परिवार से ही बिलोंग करती हूँ मैं भी। और जो नेहा कहती है ना जम्मू में मेरे को बेचा गया है, सरासर गलत है, मेरे पे गलत आरोप लगा रही है। मेरे शहरवासियों को मैं कहती हूँ हाथ जोड़ के बेनती है, एक साइड आप बैठिए और एक साइड नेहा किन्नर समाज को बुलाए कि भाई 1 रुपये में माफ किया जाता है या बेचा जाता है। तो मैं गुनहगार होंगी तो मैं जो सजा मेरे को कानून देगा या शहरवासी देंगे, मैं वो सजा पाने के लिए तैयार हूँ।